हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका UMI स्टडी ग्रुप में। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इन दोनों में अंतर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार से बेस्ट है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। सबसे पहले क्रूज मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ये जेट टेक्नोलॉजी पर संचालित होती है। जेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जिस प्रकार से जेट विमान उड़ते हैं उस प्रकार का फ्यूल और उस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें होती है। वायुमंडल के निचले हिस्सों में ये उड़ान भरती है और क्रूज मिसाइल पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है। इसका कोई निश्चित पाथ नहीं होता है। ये अपने हिसाब से टारगेट का पीछा करके मार सकती है और चूंकि ये नीचे काफ़ी नीचे पृथ्वी के उड़ती है तो इस हिसाब से ये रडार के पकड़ में भी नहीं आती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार की होती है क्रूज मिसाइल। इनके जो साइड में है ये विंग्स होते हैं। ये अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर सकती है और आसानी से बैलेंस बना के निचली सतह पर पृथ्वी के उड़ सकती है। अब ये जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल किस प्रकार से कार्य करती है। देखो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इस जिस प्रकार से रॉकेट की टेक्नोलॉजी होती है उसमें ऑक्सीजन फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होती है और ये 45 डिग्री के कोण पर पैराबोलिक मार्ग बनाते हुए अपना लक्ष्य पकड़ती है। यहाँ पर 45 डिग्री पर ही क्यों, आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा। तो देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरता है। तो यही कारण है कि 45 डिग्री के कोण पर पैराबोलिक मार्ग बनाते हुए ये अपना लक्ष्य पकड़ती है और इसी वजह से इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम तुलना करें क्रूज मिसाइल से, ये अपनी यात्रा वायुमंडल के आंतरिक और बाहरी दोनों भागों में पूरा कर सकती है और ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे सतह से सतह पर मार कर सकती है, उसके बाद सतह से वायु पर, वायु से वायु पर आदि अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी पर ये कार्य कर सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार की होती है बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पर आप देख पाओगे अग्नि 2 भी भारत की मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात करें क्रूज मिसाइल के बारे में, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको भी बताए वही है, लेकिन क्रूज मिसाइल का प्रयोग पारंपरिक हथियारों के लिए किया जाता है जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर किसी देश पर दूर के परमाणु हथियार, परमाणु बम गिराना है तो उस हिसाब से परमाणु बम के लिए अधिक उपयोगी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल अपने ईंधन को साथ रखती है और इसमें जो उपयोग होने वाली ऑक्सीजन है वो वायु से प्राप्त कर सकती है क्योंकि निचली परत पर उड़ती है तो वायु आसानी से ऑक्सीजन इसको मिल जाती है। लेकिन अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये ईंधन साथ लेकर चलती है लेकिन इसके साथ ही ये ऑक्सीजन भी अपने साथ रखती है बैलिस्टिक मिसाइल। देखो कुछ इस प्रकार से कार्य करती है बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ से छोड़ा जाता है 45 डिग्री के एंगल पर और ये इस प्रकार से स्टेज पर जाती हुई यहाँ से इस प्रकार से गिरती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये काफ़ी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होती है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा तक हो सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस प्रकार से कार्य करके यहाँ पर गिरती है लेकिन क्रूज मिसाइल काफ़ी सतह पर उड़ती है और इस प्रकार से अपने टारगेट का पीछा करते हुए इस प्रकार से हिट करती है टारगेट को। तो इस प्रकार से ये कार्य करती है पृथ्वी पर, इस फोटो में आप आसानी से देख सकते हो। देखो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इनमें से कौन सी बेस्ट है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में से। देखो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखो मान लीजिए कोई नीचे पास में मारना है, टारगेट का पीछा करके मारना है तो क्रूज मिसाइल काफ़ी बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए परमाणु बम गिराने हैं, उसके बाद दूरी है, काफ़ी दूरी तक हिट करना है टारगेट को, तो उस हिसाब से सबसे बेस्ट है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सारी जानकारी थी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।